हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही है पीएचपी में इंटरव्यू, पीएचपी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटर्न प्रोग्राम्स में, आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन, हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट इनबिल्ट फंक्शन। हमें स्ट्रिंग को रिवर्स भी करना है, बट स्ट्रिंग का जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है strrev, उस फंक्शंस का हमको यूज़ नहीं करना है। जनरली कंपनीज़ में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इनबिल्ट फंक्शन का यूजेस जिससे होता है, वो क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, बट हमें उसके केस में strrev फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी स्ट्रिंग पीएचपी के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हों, अगर वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है और जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो उसका मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है। तो आइए मैं आपको एक बताता हूँ, एक बेसिक से प्रोग्राम से, कि सबसे पहले तो आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं नीचे, हमने एक पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर str एक वेरिएबल बनाया है। उस वेरिएबल के अंदर हमने hello करके हमने पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमने बनाई है। तो इसका जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो आप ऊपर देखिए, एक स्ट्रक्चर में समझा रखा है हमने hello। तो h जो है वो जीरो पोजीशन पे रहता है, जीरो की जीरो इंडेक्स पे रहता है। e जो है वन पोजीशन पे है, l जो है टू पोजीशन पे है, l जो है थ्री पोजीशन पे, और o जो है कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। तो दोस्तों, जब भी कोई स्ट्रिंग पीएचपी में आप डिफाइन करते हो, तो उस स्ट्रिंग का मेमोरी लोकेशन कुछ पर्टिकुलर इस टाइप का हो जाता है कि उसके जो पहला करेक्टर है वो जीरो इंडेक्स पे से होता है, और जो लास्ट करेक्टर है वो उसके पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर के स्टोर हो जाता है। तो अगर हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर है। उसके नंबर ऑफ करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे strlen फंक्शन, जो कैलकुलेट करता है स्ट्रिंग की लेंथ को। तो अगर हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है और strrev फंक्शन का भी यूज़ नहीं करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो सबसे पहले जो फोर्थ पोजीशन पे जीरो है, पहले उसको फाइंड आउट कर लो, फिर एल को फाइंड आउट कर लो, फिर एल को फाइंड आउट कर लो, फिर ई को फाइंड आउट कर लो, फिर एच को फाइंड आउट कर लो। मतलब हम लूप तो चलाएंगे, बट हम रिवर्स से चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे, हम रिवर्स से चलाएंगे। तो आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के थ्रू। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल हम बना लेते हैं। उस फाइल को हमने बनाया है नोटपैड के अंदर, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उसका हमने नाम दे दिया str_reverse.php। ये प्रोग्राम हमने बनाया है str string reverse.php। इस प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहले तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। उसमें हमने पास कर दिया क्या है, hello। दोस्तों, सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है, इसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं strlen। किसकी लेंथ कैलकुलेट करना है, str की। तो ये क्या करेगा, हमको लेंथ बना के हम उसको एक $alien नाम के वेरिएबल्स के अंदर हमने उसको साइन कर लिया। तो $alien के अंदर क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है, कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो $alien में कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है, अब हम लूप चलाते हैं। तो हम लूप स्टार्ट करते हैं, फोर लूप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फोर लूप में हमने एक वेरिएबल ले लिया i इक्वल टू, हमने असाइन करा $alien। हमने लेंथ को एक वेरिएबल जो बनाया i के अंदर, हमने उसको असाइन कर दिया, मतलब i की जो वैल्यू है वो कितनी है, alien कितना है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। लेंथ कितनी है, 5। तो हम 5 तक नहीं चलाएंगे, क्योंकि पहला जो करेक्टर है वो 0 पे और लास्ट करेक्टर जो है वो 4th पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ -1 करते हैं, क्योंकि लेंथ जो होगी वो 5 है, उसको हमने 1 -1 करा, मतलब कहाँ से चलेगा वो, 4 तक चलेगा। और हमको चलाना भी कहाँ तक है, 4 तक, क्योंकि पहला कैरेक्टर 0 पे और लास्ट कैरेक्टर किस पे हमारा, 4।
उसके बाद कंडीशन हम बनाते हैं। कंडीशन जो हमने बनाई है वो ये बने हैं कि डॉलर आई जो है वो बड़ा या बराबर होगा किसके, जीरो के, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर कौन सा फाइंड आउट करना हमको यहाँ पे, जीरो फाइंड आउट करना। उसके बाद आई को हमने अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट किया है, क्योंकि हम डिक्रीमेंट क्यों करें, क्योंकि हमने यहाँ पे कहाँ से स्टार्टअप किया है, फोर से स्टार्ट किया। देखिए आई की वैल्यू कहाँ से है, फोर से। तो अल्टीमेटली बात है जब हम लास्ट कैरेक्टर को फाइंड आउट करते चले जाएंगे तो हमको डिक्रीमेंट ऑर्डर में जो इंडेक्स है वो शो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे करा आई माइनस माइनस करा। देन हम इसको इको करते हैं, इको करा हमने यहाँ पे, इको करा हमने डॉलर एआर, इको करा हमने यहाँ पे डॉलर ऑफ एसटीआर स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स की क्या पास कर दी हमने यहाँ पे, आई पास कर। तो आप ये देखेंगे आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करा हमने, लेंथ माइनस वन, लेंथ कितनी है फाइव माइनस वन, मतलब फोर तक चलेगा, तो पहली वैल्यू आई की कितनी होगी फोर। फोर जो है वो ग्रेटर देन है जीरो के, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो एस टी आर ऑफ फोर, एस टी आर फोर पर वैल्यू कौन सी थी जीरो, तो कितनी प्रिंट कर देगा वो जीरो। देन आई माइनस माइनस होगा, आई माइनस माइनस जैसे हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक डिक्रीमेंट होती चली जाएगी। आई की वैल्यू पहले कितनी थी फोर, अभी कितनी हो गई थ्री। थ्री होने के बाद फिर कंडीशन चेक होती है कि क्या थ्री जो है वो ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है। तो एस टी आर कितना आ गया हमारे पास, आई, आई मतलब कितना आ गया थ्री। तो एस टी आर थ्री पर वैल्यू कौन सी थी एल। ऐसे ये स्ट्रिंग रिवर्स में होती चली जाएगी, ये जो हमारा लूप है वो रिवर्स में होता चला जाएगा, और जैसे जैसे रिवर्स में होता चलेगा पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी करेक्टर रहेगा, वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो आइए हम इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार ब्राउजर पे। दोस्तों आउटपुट क्या आ गया, ओ एल एल ई और एच। तो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर हमें रिवर्स करना है विदाउट इनबिल्ट फंक्शन के, तो उसके लिए हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो बेटर प्रोग्राम्स है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने सीखा है किसी भी स्ट्रिंग को हम कैसे रिवर्स करते हैं विदाउट इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर के आएंगे, तब तक के लिए अलविदा, वंदे मातरम। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।